हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप सबका आपके यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत अभिनंदन। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो है उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 यानी यूपी टेट 2018। और इसके बारे में आपने ऑलरेडी सुन रखा होगा, तो जो जिन लोगों ने बीएड कर रखा है वो उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनने के लिए इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा की जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो आपको बता देते हैं। तो जो आवेदन पत्र के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पंजीकरण होना है, इसकी अंतिम तिथि है 4 अक्टूबर। और जो पेमेंट आपको करना है, पेमेंट के लिए 5 अक्टूबर तक का आपको समय मिलेगा। और ये ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। इस तरह से ये जो प्रक्रिया है ये 4 अक्टूबर तक चलेगी। तो आपको इस अवधि में अपना फॉर्म भर लेना है। इसके बाद जो इसमें जो वेबसाइट है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, उसमें काफ़ी डिटेल्स मौजूद हैं, आप उसको एक बार पढ़ लीजिएगा। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये ऑलरेडी पेपर में ये पब्लिश हो चुका है जिसमें डेट्स वगैरह लिखी हैं। 18 तारीख से ये फॉर्म भरने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है दोपहर से। और जो डेट मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है कि 4 अक्टूबर तक आपको फॉर्म भरना है। तो जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एलिजिबिलिटी क्या है, कौन लोग इस परीक्षा को दे सकते हैं। तो यूपी टीटी में शामिल होने के लिए आप कक्षा 1 से 5 तक के लिए जो लोग आवेदन कर रहे हैं उन्हें विधि द्वारा स्थापित UGC से मान्यता प्राप्त महाविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण तथा NCT से मान्यता के उपरांत 2 वर्षीय DLED या BTC के अंतिम वर्ष में सम्मिलित होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर आप क्लास 1 से 5 तक के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं तो एक तो ग्रेजुएट होना चाहिए और दूसरा 2 वर्षीय जो DLED या BTC है वो आपने कंप्लीट कर रखी हो, या फिर आप अंतिम वर्ष में हो तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। इसी तरह से जो लोग शिक्षा मित्र हैं 2 वर्षीय BTC के माध्यम से भी वो इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। इसी तरह से इसमें कुछ और भी है, जैसे कि भारतीय पुनर्वास परिषद यानी RCI द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से शिक्षा शास्त्र में विशेष शिक्षा यानी स्पेशल BEd जिन्होंने कर रखी है, या फिर 2 वर्षीय डिप्लोमा DEd के अंतिम वर्ष में जो लोग हैं वो लोग भी इसके लिए एप्लीकेबल हैं। साथ ही साथ जिन लोगों ने स्नातक में 50% अंकों के साथ BEd कर रखा है वो लोग भी इसमें एप्लीकेबल हैं। इसी तरह से 45% अंकों के साथ स्नातक तथा परास्नातक तथा शिक्षा शास्त्र में स्नातक जो इस संबंध में समय समय पर जारी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के विनियमों के अनुसार प्राप्त किया गया हो। तो देखिए, इसमें बहुत सारे उन्होंने रूल्स रेगुलेशन बना रखे हैं, आप इसको तसल्ली से पढ़ लीजिएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, इसके अलावा आपने बीएड कर रखा हो, डीएलएड कर रखा हो, बीटीसी कर रखा हो या उसके फाइनल ईयर में हैं तो क्लास 1 से 5 तक के लिए फॉर्म भरने के लिए आप एलिजिबल हैं इसके हिसाब से। तो आप इसको डिटेल में देख लीजिएगा, इसमें बहुत सारी एलिजिबिलिटी हैं, अलग अलग हैं। फिर जो क्लास 6 से 8 तक के लिए है उसके लिए स्नातक के साथ साथ 2 वर्षीय DLED या BTC के अंतिम वर्ष में जो लोग हैं, स्नातक परास्नातक के साथ साथ शिक्षा शास्त्र में स्नातक जो कर रखे हैं यानी कि आप ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं, साथ ही साथ BEd आपने कर रखा है या फाइनल ईयर में हैं तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसी तरह से जिन्होंने स्पेशल एजुकेशन कर यानी कि स्पेशल BEd कर रखा है वो लोग भी हैं इसमें। और साथ ही साथ जिन्होंने 4 वर्षीय BA/BEd में एडमिशन लिया है और अंतिम वर्ष में है वो लोग भी इसके लिए एलिजिबल हैं। तो इस तरह से इसमें बहुत सारी एलिजिबिलिटी अलग अलग तरह की इन्होंने बना रखी है, तो आप उसको तसल्ली से देख लीजिएगा। तो जो लोग उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनना चाहते हैं यूपी टेट के माध्यम से उनको इसका अवसर मिलता है। और पहले ये परीक्षा उत्तीर्ण करना होता है, ये शिक्षक पात्रता परीक्षा है, वर्ष में लगभग एक बार हुई जाती है। और अभी जो 2018 की परीक्षा होने जा रही है इसके लिए आवेदन पत्र आ चुके हैं, तो इसमें क्लास 1 से 5 तक दिया हुआ है और 6 से 8 तक इसके लिए डिटेल इस एडवर्टीजमेंट में दिया हुआ है कि इन क्लासेस में पढ़ाने के लिए आपको ये परीक्षा पास करनी होगी। और बाकी डिटेल एडवर्टीजमेंट आप देख लीजिएगा। जो इसका प्राथमिक स्तर का जो प्रश्न पत्र होता है यानी कि क्लास 1 से 5 तक के लिए, इसमें क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं क्या कि ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इसमें बाल विकास और शिक्षण विधि के 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 नंबर के। हिंदी का एक प्रश्न पत्र आता है, अंग्रेजी अथवा उर्दू अथवा संस्कृत में से कोई एक लैंग्वेज आपको लेनी होती है, ये भी 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 नंबर के। गणित के 30 क्वेश्चन आते हैं, पर्यावरण अध्ययन के 30 क्वेश्चन आते हैं। 150 नंबर का ये प्रश्न पत्र होता है क्लास 1 से 5 तक के लिए, 2.5 घंटे का समय मिलता है। तो ये जो इसका स्ट्रक्चर है आप इसको एक बार देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, तो आप ये देख लीजिएगा। इसमें जो दूसरा प्रश्न पत्र है ये क्लास 6 से 8 तक के लिए होता है और इसमें इसका जो स्ट्रक्चर है जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बाल विकास और शिक्षण विधि 30 क्वेश्चन आते हैं, अनिवार्य है सभी के लिए ये। हिंदी का अनिवार्य पेपर होता है, 30 क्वेश्चन होते हैं। अंग्रेजी उर्दू अथवा संस्कृत में से एक लैंग्वेज आपको लेनी होगी। इसके बाद इसमें गणित एवं विज्ञान शिक्षक के लिए गणित विज्ञान का पेपर होगा, सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान शिक्षक के लिए सामाजिक अध्ययन का पेपर होगा और अन्य किसी शिक्षक के लिए काखा में से कोई एक होगा, यानी कि इन्होंने 2 कैटेगरी बना रखी है, जो गणित और विज्ञान के शिक्षक हैं उनके लिए ये पर्टिकुलर पेपर है।
इसके अलावा जो दूसरे स्ट्रीम के लोग हैं सोशल साइंस, उनके लिए ये खा नंबर का पेपर होगा। और इसके अलावा अगर कोई चीज़ बच रही है तो इनका खामे से कोई एक पेपर उसे ऑप्ट करना होगा। तो इस तरह से 150 नंबर का ये पेपर होता है। तो ये इसमें डिटेल दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। जो लैंग्वेज होगी हिंदी इंग्लिश में से एक कोई भाषा होगी। जो स्पेसिफिक पेपर है जैसे अंग्रेजी का है वो अंग्रेजी में ही होगा। जो अर्हता है कितना नंबर लाना होगा, तो यूपीटेट में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के अंकों का विवरण वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। पूर्णांक 150 में से 90 अंक अर्थात 60% और अधिक अंक प्राप्त करने वाले सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। यानी कि इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए आपको 150 में से 90 नंबर लाना होगा अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और जो दूसरी कैटेगरी है अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित भूतपूर्व सैनिक विकलांग इत्यादि के लिए 55% अंक लाने होंगे। यानी कि 150 में से 82 अंक लाना होगा इस परीक्षा को पास करने के लिए। और जो लोग ये परीक्षा पास करेंगे वो ही उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो भी वैकेंसी जाती है टीचर्स की उसके लिए एलिजिबल होंगे। तो ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी इस वीडियो के माध्यम से हमने आपसे शेयर की, और बाकी आने वाले समय में इसके प्रिपरेशन के लिए हम वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। काफ़ी वीडियो हमारे चैनल पर पहले से ही उपलब्ध हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। और जो लोग भी एलिजिबिलिटी को पूर्ण करते हैं उनके लिए एक अच्छा अवसर है, क्योंकि जल्दी ही जैसे ही ये परीक्षा होगी इसके रिजल्ट कंप्लीट होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो वैकेंट शिक्षकों की स्थिति है उसको देखते हुए जल्दी ही एडवर्टीजमेंट आएगा शिक्षकों की भर्ती के लिए। तो इस परीक्षा को आप पास कीजिए और फिर आप ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो भी वैकेंसी आती है शिक्षक की उसमें आप अप्लाई कीजिए। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।